इमरानगढ़ में पर्यटन गुरु योजना के योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी शुरू। सरलाही के सिसोट में हत्या करके फेकल अवस्था में एक व्यक्ति के लाश बरामद। रौतहट के कारागार से कैदी फरार, सप्ताहिक के एक वार्डाध्यक्ष के निधन। बारह में थप, तीन सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना। अब प्रदेश दू के प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित काल के खातिर स्थगित। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नी हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में, सिमरौनगढ़ स्थित नगर पालिका के कार्यालय हॉल हॉल में पर्यटन गुरु योजना के दू दिनी योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी शुरू भइल बाटे। सिमरौनगढ़ नगर पालिका के आयोजना तथा नेम डेक नेपाल के प्राविधिक सहयोग में उक्त कार्यशाला गोष्ठी शुरू भइल बाटे। गोष्ठी में सिमरौनगढ़ नगर पालिका के मेयर विजय शंकर यादव, उपमेयर रीमा देवी कुशवाहा, नगर पालिका प्रशासकीय प्रमुख शिव पूजन यादव, सिमरौनगढ़ उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जयंत कुशवाहा, वार्ड अध्यक्ष लोग सुमित कुमार जायसवाल, खुशीलाल महतो, मंजूर मियां अंसारी, राजेश यादव, राम बहादुर राउत कुर्मी, शंकर शाह कानू, रमेश कुशवाहा, दामोदर लाल शाह, अरविंद यादव, हरिशंकर प्रसाद यादव, हेमचंद्र प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर परमानंद मुखिया, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी मोहन महतो, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, विपिन दास, स्वतंत्र सेनानी अनूप सहनी, कलैया अस्पताल विकास तथा संचालन समिति के अध्यक्ष किशोरी प्रसाद जायसवाल, कृषि विकास बैंक अमृतगंज शाखा प्रमुख राजकुमार महतो लगायत विभिन्न क्षेत्र में आवाद व्यक्तित्व लोग के भारी उपस्थिति रहल रहे। कार्यक्रम में आर्थिक सामाजिक विज्ञ तथा नेमडे के निपेंद्र श्याम घिमरे गोष्ठी के उद्देश्य बारे प्रकाश पारले रहनी। कार्यक्रम के सहजीकरण कर बाजारीकरण विज्ञ कुल प्रसाद निरौला, ग्रामीण पर्यटन के महत्व आ एकर वर्तमान ग्रामीण पर्यटन के आवश्यकता, ग्रामीण पर्यटन के महत्व, शहरी आ ग्रामीण पर्यटन बीच के अंतर संबंध, ग्रामीण पर्यटन के खातिर सरकारी प्रयास, ग्रामीण पर्यटन के वर्तमान अवस्था, ग्रामीण पर्यटन के चुनौती बंदागत रूप में विश्लेषण कैले रहनी। वहाँ के पर्यटन विकास के खातिर पूर्वतात्विक के वस्तु मरम्मत संभार तथा आर्टिफिशियल चीज के भी प्रयोग में लियावे के बात में वहाँ के जोर दिल बने। कार्यक्रम के उद्घाटन कर सिमरौनगढ़ नगर पालिका के मेयर विजय शंकर यादव, सिमरौनगढ़ के पर्यटक के रूप में विकास करे ले प्रदेश सरकार संग सहकार करके आगे बढ़ल बतानी। सिमरौनगढ़ के ऐतिहासिक गरिमा रहल बतावत वहाँ के एकर विकास के खातिर सभी तरह के योगदान होके में जोर देनी। कार्यक्रम के संचालन कार्यपालिका सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर के रहल रहे, स्वागत मंतव्य डॉक्टर परमानंद मुखिया के रहल रहे। सरलाही के सिसोट बाजार नजिक रहल पुल नजिक से एक व्यक्ति के लाश बरामद भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय मलांगवा के अनुसार जिला के रामनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 3 ढाव टोल घर भइल 50 वर्षीय लखिंदर सहनी उहे गांव पालिका के सिसोट बाजार होके रामनगर गांव तरफ जाए वाला रास्ता में पड़े वाला पुल नजिक तेज हथियार प्रयोग करके विभत्स तरीके से हत्या करके फेंकल अवस्था में उनकर लाश बरामद भइल बा। रौतहट में रहल जिला कारागार गौर से बीतल रात एक जन कैदी फरार भइल बाटे। कारागार प्रशासन के अनुसार अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा में थुना में रहल अशोक यादव फरार भइल बानी। 3 वर्ष पहले जिला अदालत से अपहरण तथा शरीर बंधक के मुद्दा में वहाँ के कारागार भेजल गेल रहे। कारागार भीतर आंतरिक रूप में विद्युत संबंधी काम समेत करे वाला यादव रात के 10 बजे के समय विद्युत सेवा अवरुद्ध बना के अनहार के फायदा उठावत भागल कारागार प्रशासन से नैले बा। सप्तरी में वार्ड अध्यक्ष कार्की के मृत्यु भइल बाटे। बीतल रात सप्तरी के सुरुंगा नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष मुक्ति कार्की के मृत्यु भइल बा। 55 वर्षीय कार्की कुछ समय से अस्वस्थ रहने घर में सुत रहल बेरिया उनकर निधन भइल नगर पालिका जनैले बाटे। श्रीमती 2 गो बेटी आ 1 गो बेटा के पिता वार्ड अध्यक्ष कार्की के आज ही अंत्येष्टि कल गेल बताओल गेल बाटे। कार्की के निधन भइले बाद नगर पालिका से आज शोक विदा देवे के निर्णय कैले रहे। उनकर निधन से शोक में आज नगर पालिका भीतर संपूर्ण कार्यालय विदा रह के प्रमुख मुक्तिनाथ चौधरी जानकारी दिल रही। कार्की 2074 साल आसीन 2 गते भले स्थानीय तह के निर्वाचन में तत्कालीन नेकपा एमाले से वार्ड अध्यक्ष में निर्वाचित भइल रहनी। बारह के देवतल गांव पालिका के दक्षिण झिटकैया स्थित 10 गजा क्षेत्र में बॉर्डर आउट पोस्ट BOP स्थापना भइल बाटे। सीमा सुरक्षा के भारत संग जुड़ल क्षेत्र सुरक्षा पोस्ट स्थापना करे के सरकार के निर्णय अनुसार आज 12 के दक्षिण झिटकैया में सशस्त्र के सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना कल गेल बाटे। सीमा सुरक्षा आ सीमा क्षेत्र में होखे वाला गतिविधि नियंत्रण के खातिर सरकार से थप 3 स्थान में सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना करे के निर्णय कल गेल बाटे। विश्रामपुर गांव पालिका के छतवा आ पचरौता नगर पालिका के बिनौली गांव में जल्दी ये BOP स्थापना करे के सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश 2 के वाहिनीपति DIG राजू अरियाल बतैनी। झिटकैया पोस्ट के DIG अरियाल आ प्रमुख जिला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेल उद्घाटन कैले बानी।
जबरदस्ती करने मुद्दा के फरार अभियुक्त के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। जीतपुर सिमराव महानगर पालिका दूर रहे वाला 19 वर्षीय सुनील शाह के 12 प्रहरी पकड़ाव करके सार्वजनिक कैले बाटे। जिला अदालत 12 से 2072 चैत 21 गते उनका ऊपर जबरदस्ती करने मुद्दा में 3 वर्ष कैद फैसला कैले रहे। वहाँ के लुका छिपा के रहा अवस्था में इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा से खटल प्रहरी पकड़ाव करके 12 के प्रहरी प्रमुख एसपी विकास राज खनाल जानकारी दिले बानी। शाह के जिला अदालत 12 में प्रस्तुत कल गया में अदालत के आदेश से कैद भुगतान के खातिर कारागार कार्यालय बीरगंज भेजल गई बा। परसा जिला के पोखरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 6 घर भइल सुरालम मिया के बेटी के ब्याह के खातिर वृक्ष फाउंडेशन के सहयोग में चावल दाल अलुई चीनी जार रिफाइन खाए वाला तेल सिंगार के सामान पता गिलास कपड़ा लाता करके रू 21,000 बराबर के सर सामान सहयोग कैल गए बा। प्रदेश दू सरकार से नदी उत्खनन के विरोध कैला के कारण हत्या कैल गेल धनुषा के मिथिला नगर पालिका 5 के दिलीप महतो परिवार के आर्थिक सहयोग देवे के निर्णय कैले बाटे। आज सवेरे बैठल प्रदेश मंत्रिपरिषद के बैठक से दिलीप के परिवार के 5 लाख आर्थिक सहयोग करे के निर्णय कैले बा। कुछ दिन पहले जनकपुर में पत्रकार ऊपर भइल कुटपीट के विरोध में आंदोलन के कार्यक्रम तय करे के खातिर नेपाल पत्रकार महासंघ धनसो शाखा संघर्ष समिति गठन कैले बाटे। गत पुष 22 गते मंगल के दिन सूचना लेवे गई पत्रकार सबके जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के कार्यकक्ष में पत्रकार संघे भइल हाथपा तथा कुटपीट के विरोध में महासंघ धनसो से आंदोलन के कार्य तय करेला समिति गठन कैल जनैले बा। प्रदेश दू के सरकार से मांगे गते अर्थात मांगे संक्रांति के दिन अपन प्रदेश में सार्वजनिक विदा देवे वाला भइल बाटे। उ दिन प्रदेश दू के सभी सरकारी कार्यालय संघ संस्था तथा शिक्षण संस्था में विदा देवे के निर्णय भइले प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में जानकारी दिल गई बाटे। मंत्रालय के उप सचिव टीका मणि न्यूपाने के हस्ताक्षर में जारी उक्त सूचना प्रदेश दू के मंत्रिपरिषद से पूछ 24 गते सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय कल गई बा। प्रदेश दू के प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित काल के खातिर स्थगित भइल बाटे। आज दोपहरिया 1 बजे बैठे वाला कहल गई बैठक ना बैठते स्थगित भइल बाटे। अब दोसर सूचना जारी ना भइला तक के खातिर बैठक स्थगित कल गई प्रदेश सभा सचिवालय जनैले बाटे। गत आर्थिक वर्ष में संचालित योजना सबके भुगतानी देवे के मांग करत दू दिन सांसद अवरोध कैले बाद 17 गते के खातिर आह्वान कैल गेल बैठक आज ना बैठक न बैठते स्थगित भइल रहे। ओकर बाद 24 गते बैठे वाला कह के उक्त दिन भी स्थगित करत 28 गते आज के खातिर निर्धारण कल गेल रहे, लेकिन आज भी बैठक बैठे ना सकल। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल नवासी मेगा हर्ष द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 13 दोपहरिया 21 डिग्री सेल्सियस रहल रहे, आज रात में 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:55 में बेर उगल तो साझे 5:31 में बेर डूबल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। सिमरौनगढ़ में पर्यटन गुरु योजना के योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी शुरू। सरलाही के सिसोट में हत्या करके फेकल अवस्था में एक व्यक्ति के लाश बरामद। रौतहट कारागार से एक कैदी फरार, सप्तरी के एक वड़ादस के निधन। 12 में थप 3 सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना। अब प्रदेश दू के प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित काल के खातिर स्थगित। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल नवासी मेगा हर्ष तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमारे पत्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।